السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. इंशाल्लाह बाय द इज़्ज़त ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला वी आर गोइंग टू कंटिन्यू जो हम इराब की प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो आई थिंक वी वर हियर लास्ट क्लास. आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग अफ़आल. सो द फर्स्ट वन इज उदना. So what do you guys think? Is that what kind of, is that first of all, is that an ism or a fail? Fail. Okay, what kind of fail it is? We know two kinds of fail, right? Fail madi and fail mudari'. Fail madi. Okay, fail madi. How do we know that? Udna. Yeah. So, attached to na. Yeah, so na is skoon and na at the end is of giving away, that this is the fail madi. And so how are we gonna say that? Failun? Failun madi. Failu nahnu. Failuhu nahnu. And translation? Humne palt, humne paltaya. Hum palte. Ye khud ho raha hai na, hum. Paltaya to wo kisi ko aap karwa rahe hai na. So it's not we returned or we haan ji. Okay, number 2, allamtum. How we are going to irab that? Allam plus allam. So failun failun ma. Failun madin failuhu antum. Failuhu antum. Very good. And how we are going to translate? You are were taught. You are all of you were taught. आप इस सारी जो है ना वो passive में कर रही हैं translation. मैंने इसका बोला है फेलुन मादी फाइलुहु अंतुम और इसका इसके अंदर प्रोनाउन हम अंतुम लिखेंगे क्योंकि तुम का अंतुम आता है और अलम तुम यानी सिखाया तुमने. यू टॉट या इंग्लिश में यू टॉट. ओके, यू वर टॉट टोटली डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, राइट? तो उसका मतलब है कि आप फाइल नहीं है बल्कि आप मफूल हैं, आप पे काम हुआ है, राइट? तो यू वर टॉट जी वो मजहूल हो जाता है जो अभी के हमने सीखा नहीं है, राइट? दैट इज डिफरेंट. वो भी एक फेल है, उसकी भी सेम इसी तरह से 14 प्रोनाउन ये सीगा के साथ हम उसको सीखेंगे, लेकिन दैट इज डिफरेंट. सो हमने जब ट्रांसलेशन करनी है वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट के हम क्या कर रहे हैं, ये मारूफ है या मजहूल है. ठीक है,
मारूफ कहते हैं, जो कि हम ये रेगुलर जो हमने मादी सीखा है वो हमने मारूफ सीखा है, फेलुन मादिन मारूफुन। फिर एक होता है फेलुन मादिन मजहूल, मजहूल का मतलब होता है कि उसमें डूअर नहीं है, जैसे हम एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज इंग्लिश में करते हैं, राइट। मारूफ और मजहूल इज कॉमन एंड प्रॉपर ना? नहीं, मारूफ एंड पैसिव। जी, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। ओके ओके, हाँ वो इसम में मारूफ, इसम मारूफ उसमें आप कह सकते हैं कि वो कॉमन, यानी मारूफ आप प्रॉपर को कह रहे हैं, लेकिन जब ये सर्फ की टर्म में आता है या फेल की टर्म में आता है तो फिर मारूफ का मतलब होता है कि लाइक दिस इज रेगुलर, द डूअर इज नॉन। लेकिन जो मजहूल होता है उसमें डूअर जो है ना वो हिडन होता है, राइट। जैसे अगर ये कहा जाए कि तुम्हें सिखाया गया, अब ये तो नहीं पता किसने सिखाया, राइट, तुम्हें सिखाया गया, मैं ये नहीं पता कि किसने सिखाया, तो वो डूअर जो होता है वो अननोन होता है, इसलिए उसको मजहूल कहते हैं, जहाल से है, लाइक नॉट नोन, राइट, जहालत, जहल, जीम हालाम, तो उससे वो होता है। अच्छा, नंबर थ्री, आफालत। अफला का मतलब डिसअपीयर, अफला का तो मुझे मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन इसका मैं बता सकती हूँ, इसमें हिया आएगा, पेरेंट मादी फाइल हो हिया। ट्रांसलेशन, अफला क्या नहीं जाना तुम मैं से पूछो? नहीं, ये अफला, शी डिसअपीयर्ड, या शी डिसअपीयर्ड, अफला का मतलब है डिसअपीयर होना, सो अफला उसका हुआ वर्जन है, अफलत जो है वो उसका हिया वर्जन हो जाएगा। ये ता जो है ना विद सुकून बता रहा है कि ये हिया है, राइट, और ये आफाला अगर ये ता ना होगा तो ये हुआ वर्जन हो जाएगा, राइट, तो उसका मतलब है डिसअपीयर होना, राइट। सो आफालत इट डिसअपीयर भी कह सकते हैं या शी डिसअपीयर भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो है ना वो सूरत ये इब्राहिम के किस्से में ये है, जब उन्होंने मून को देखा, स्टार को देखा और वो डिसअपीयर हो गए, राइट, तो ये वहां पे ये वर्ड यूज हुआ है, अफलत, या, 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 या। हाँ जी। अच्छा, फिर नंबर फोर है जी टू, जा से है, जा का मतलब होता है आना, कम, राइट, एंड जी टू ये थोड़ा सा डिफरेंटली होगा क्योंकि इसमें मैं आया, वेरी गुड, या सो जा आ इज द रेगुलर वन, ये इसका हुआ वर्जन है, और आप देख रहे हैं कि दरमियान में यहाँ पे इसके वीक रूट लेटर है, राइट, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वीक है, ये दरमियान में वीक रूट लेटर है ना, अलीफ, अलीफ को वीक रूट लेटर कंसिडर किया जाता है, तो उसकी वजह से ये इसकी कंजुगेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन हमें ताविद दम्मा बता रहा है कि दिस इज अना, राइट। तो जी टू, आई केम, आई केम, मैं लाया, हाँ जी, मैं आया, नॉट लाया, मैं आया, हाँ मैं आया, ठीक है, ये इसके साथ जब बा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फेल है, लेकिन जब जा आ बी या इसके साथ जब प्रेपोजिशन बी आ जाती है ना, फिर उसका मतलब हो जाता है ब्रिंग का, ठीक है, लेकिन वैसे जस्ट जा का मतलब होता है कम और खेम, नॉट कम, खेम, क्योंकि ये मादी है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर फाइव, पुलना, हमने कहा नो ये इट्स फाइलुन मादी फाइलुहु हुन्ना, फाइलुहु हुन्ना, वेरी गुड, दिस इज हुन्ना,
जो जो इसको ना समझ रहे हैं, नहनु समझ रहे हैं, आप ये देखें वो नहनु तो तब होगा जब उसके साथ अलिफ होगा, राइट? इसके साथ अलिफ है जी? नहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये हुन्ना है। अगर इसी के साथ अगर मैं कुल ना यहाँ पे अलिफ लगा दूं तो देन यस इट इज ना नहनु है ये, राइट? लेकिन नॉट दिस वन, ये हुन्ना है। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी? Those women said, those नहीं बोलेंगे, they said, they women, okay. आप ऐसे they लिख देंगे और फिर उसमें ब्रैकेट में फीमेल कर दें और फिर लिख दें said, ठीक है? क्योंकि those और these ये तो फिर वो इसम मौसूल हो जाएगा ना, तो या तो इसलिए they pronoun यूज करेंगे हम। ओके, फिर नेक्स्ट वन है आता या जा और अता, बोथ कम्स इन द मीनिंग ऑफ आने के मीनिंग में यूज होते हैं। लेकिन वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये अलिफ उसका बता रहा है, अलिफ इज द फाइल हियर, तो अलिफ बता रहा है कि ये हुमा है, राइट? और कौन से वाला हुमा है? मुजक्कर मुजक्कर वाला, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज मुजक्कर वन, अदरवाइज वो ता के साथ होता। ओके, तो ट्रांसलेशन क्या होगी? टू मेन केम, यस, टू ऑफ टू और बोथ ऑफ देम हम कह सकते हैं, बोथ ऑफ देम केम। ओके, नंबर सेवन, इस्तकामू, ट्रांसलेशन भी साथ में दे दिए करें जल्दी से। steadfast, they remain steadfast, हम remain का वर्ड भी लगा सकते हैं इसके साथ, right? They remain steadfast. Okay, number eight, फता, फकादा। अब इसमें फा जो है ये एक्स्ट्रा है, फर्स्ट फा, इट्स लाइक सुमा, ठीक है? तो तफक्कदा ताअल्लमा के पैटर्न पे है ये, राइट? ताअल्लमा, वी नो ताअल्लमा? नहीं उस्ताद, नहीं, ये पैटर्न नहीं पढ़ा हमने, ता वाला नहीं पढ़ा, लेकिन ताअल्लमा अगर आप ऐसे लिखा जाए आपके सामने स्टार्टिंग में ताअल्लमा, तो ये मीम के ऊपर जो फतह है ना लास्ट लेटर के ऊपर, ये आपको बता रहा है कि ये मादी है। अगर ये मुदारिया होता तो फिर यहाँ पे साउंड होती, राइट? तो इसमें हिडन हुआ होगा ना? यस जी, इसमें हुआ जो है वो हिडन है, ठीक है? सो ताअल्लमा इज ये उसी के पैटर्न पे है, तफक्कदा, तो दिस इज फेलुन मादिन फाइलुहु हुआ, और इसका मतलब होता है एग्जामिन करना, सो ही एग्जामिन्ड, ये हुआ वर्जन पे, हुआ वर्जन, हुआ वर्जन, यस। नंबर नाइन, खाना था, खाना था, खाना, ये फीमेल हुमा, खाना था जी, ये खाना था, हुआ वर्जन, अंतुम, वन पर्सन टाइम, फीमेल हुमा, वेरी गुड। हाउ डू वी नो? क्योंकि खाना जो होता रेगुलर वर्जन हुआ वर्जन है, राइट? और खानत हिया वर्जन हो जाएगा, और खानता जो है वो उसका हुमा वर्जन हो, और इसका मतलब होता है कि डिसीव करना, राइट? सो बोथ लेडीज दे ट्रेचर्ड और दे डिसीव्ड। उस्ताजा मुझे कुछ पूछना है इसके बारे में, ये इसका एंडिंग वर्ड है ता, आपने कहा खाना था हुआ वर्जन पे आता है, व्हाट अबाउट अलिफ, इट विल कम इन हुमा वर्जन ना, अलिफ का रहे तुम? खाना, इस खाना और फिर खाना विद अलिफ उसका जो है ना वो हुमा हो जाएगा, और फिर खानू जो है वो उसका क्या कहते हैं हूं वर्जन हो गया, फिर खानत किया वर्जन, खानता, सो दिस इज खानता हुमा वर्जन,
हुमा वर्जन हाँ राइट ओके ओके नाउ कौन से ना आते ही थी नंबर टेन पे फेलुन मादी फाइलु हु अंति वेरी गुड फाइलु हु अंति और सेम आता हमने अभी इसके मीनिंग थे केम के सो शी फेमिनिन केम शी ड्यूअल केम शी ले सो यू ले सिंगुलर सिंगुलर है सिंगुलर हाँ जी तो यू आएगा ना वो एक लेडी के लिए भी तो यू ही आएगा ना यू लेडी के यू और फिर आप ब्रैकेट में फीमेल कर दें ओके ठीक है ऐसे हो जाएगा ये इत्ता कैतुन्ना फेलुन मादी फाइलुहु अंतुन्ना वेरी गुड यस तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का वर्ड अडॉप्ट You all ladies. You all antunna na pa antunna aiga. You ladies adopt. Adopted. You all ladies. Yeah, you all ladies adopt. Yeah. Adopted takwa, not adopted. Ye to adoption kisi ki, koi bache ki adoption bhi ho sakti hai, nahi adoption ho sakti, right? Acha, apni kya nahi adopt takwa. I cannot say it's very fine. उर्दू में तो इजी है बोलना बहुत हाँ जी ओके नंबर 12 साल टीचर टीचर मैं बताओ जी फेले मादिन फालोहु अंता वेरी गुड ट्रांसलेशन यू आस्क्ड तुमने पूछा Very good, very good. Thank you. Okay, next one. अब यहाँ पे हमने translation करनी है. Both of them asked. So Saala Huma. Saala. Saala. Huma. Saala. Saala. Saala Huma. Huma Saala. How we are saying Huma Saala? Huma पहले नहीं आया. ये तो हम जुमला इस्मिया बना रहे हैं, right? Both of them asked. तो ये डूअर जो है वो बोथ ऑफ देम है राइट ये इसका फाइल है तो हमें जो है ना ये सारा कंजुगेशन जैसे सीखी है ना सो ये हो जाएगा साला के साथ आप यहाँ पे हुमा मैं करूं हुमा फाइल और साला हुमा भी व्हाट वी आर डूइंग उस्तादा उस्ताला फाइल माय देन हां साला लाम अलैकुम विद अलिफ यस सॉरी या अल्लाहुमा ठीक है क्योंकि वो अलिफ जो है हाँ जी नंबर टू शी न्यू अलीमत लेकर आए इसको अलीमत अलीमत यस वी वांट जल्दी जल्दी से करना हमने वी नजर ना नजर ना नजर ना ना नजर ना नजर ना लेडीज कैन वी टेक टर्न Okay. Okay. So we want क्या हो जाएगा नजर ना इसके साथ आप यहाँ पे ना अटैच कर देंगे राइट और ये यहाँ पे सुकून आ जाएगा इसके लास्ट लेटर के ऊपर राइट यहाँ पे ये आ जाएगा सुकून और ये बन जाएगा नजर ना ओके आई mentioned जाकरा का मतलब होता है mention करना राइट ही mentioned वेरी गुड ओके नंबर नेक्स्ट है यू फीमेल रीड और रेड होना चाहिए रेड हाँ जी तो ये इसमें यू फीमेल तो दिस इज अंति राइट You feel so, so this is anti. For anti, you need to just add karati, right? Karati. Oh. Alif ke upar sukoon aa gaya hai na? Iske upar sukoon aa jayega haan. Alif. ये इसमें ता मरबूता लगेगी या ये इस तरह की ता लगेगी इसमें क्या फर्क होगा अगर ता मरबूता नहीं ता मरबूता क्यों लगेगा ता मरबूता the sign of femininity anti 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 होगा ना इसका
आपने वो चार नहीं याद किया हुआ नसर थी, उसमें का मरबूत है? नहीं ऐसे होगा ना नसर थी, सो सेम इसी तरह से करा थी। मुझे फाइव नंबर पूछता था, आई मेंशन ज़कर तू आएगा ना इसमें? जी आई मेंशन ज़कर तू। ओके नेक्स्ट है, सॉरी दे एंटर दखलू हो जाएगा। ओके यू क्रिएटेड अकल अकलत और फिर अकलत हो जाएगा उसका हिया वर्जन राइट, अकलत और फिर उसके साथ आप यहाँ पे अलिफ ऐड करेंगे और इसको फतह दे देंगे अकलता। ओके नेक्स्ट वन ऊपर फतह लग जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा जी? अगर लाम के ऊपर फतह लग जाए, सॉरी फतह लग जाए तो अगर लाम के ऊपर सुकून लग जाए अकल था। हाँ जी वो तो फर्स्ट वो हो जाएगा अगर वो फिर अंता का हो जाए। आपको पता है हुन्ना के बाद से हमने यहाँ पे सुकून देना शुरू करना होता है ना। अच्छा जी ठीक है ठीक ठीक है, सो हुन्ना से वो ट्रेंड शुरू हो जाता है, हुन्ना पे वो आके अकलना हो जाएगा और फिर अकलता अकल तुम वो सब पे सुकून आ रहा है फिर उसके बाद। ठीक राइट, उससे पहले नहीं है। जज़ाकअल्लाह भैया की। ओके फिर नज़र दे टीचर मैं बताऊं नज़रना नो दे 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 फेमिनिन है नज़रना वेरी गुड नज़रना और यहाँ पे सुकून आ जाएगा उससे पहले राइट। वेरी गुड वेरी गुड। ओके फिर है ऑल ऑफ यू लर्नड अल्लमतुम यू लर्नड और लर्न के लिए लफ्ज है तअल्लमा ठीक है इसके साथ तुन्ना ऐड हो जाएगा अल्लम तुन्ना। ओके नेक्स्ट वन बोथ ऑफ यू अब ये फीमेल है हुमा रोट सो और उसके लिए कतबा यूज होता है सो क्या हो जाएगा कतबतुमा बोथ ऑफ यू यस यस कतबतुमा। ओके नाउ ऑल ऑफ यू स्टडीड और उसके लिए और ये फीमेल हाफिज़
तुमा 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 बहुत ऑफ यू है ना तुमा लगाएंगे हफिज तुमा ओके नेक्स्ट वन नाउ सर्कल इनसाइड आई फॉर इनसाइड डूअर एंड ओ फॉर आउटसाइड डूअर एंड ट्रांसलेट द मुस्लिम रोड अब डू यू गाइस थिंक यहाँ पे outside door outside door outside yes. door yes how yes. do you know muslims muslims haan ji otherwise kya chahiye tha लेकिन यहाँ पे द मुस्लिम रोड है तो नहीं मैं इसकी बात कर रही हूँ कि द मुस्लिम की जगह पे दे होता क्या कहते हैं क्या डूअर है या नहीं है दे में नहीं होगा इनसाइड मुस्लिम की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये आउटसाइड डूअर यहाँ पे है अच्छा आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कताबल मुस्लिमूना कताबल मुस्लिमूना उसको हम कर देंगे तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया ट्रांसलेशन हो गई द मुस्लिम रोट अच्छा अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे हम कताबा हुआ वर्जन पे है तो हम कह सकते हैं ना फेलुन मादिन कताबा के लिए फेलुन मादिन फाइलुहु हुआ और मुस्लिमूना मफूल मफूल भी जी मुस्लिमूना हाँ मफूल really? अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वो सारी रात जो है ना वो कहानी सुनाते रहे और सुबह उठ के पूछे जुलेखा बंदा था या बंदी थी हाँ वही ना मिस्टेक मुझे पूछना है कि ये सही है कि नहीं आप डन इट नहीं हम अभी यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ये आउटसाइड डूअर है या यानी आउटसाइड डूअर वहाँ पे नहीं है अगर हम ये कह रहे हैं द मुस्लिम आउटसाइड डूअर है तो आउटसाइड डूअर का क्या कहते हैं स्टेटस क्या होता है इसमें ये है ना कि अगर सिर्फ कताबा लिखा होता ना तो उसमें होता है हुआ कताबा तो चूंकि हुआ का फिर मुस्लिमून आ गया तो वो आउटसाइड डोर बन गया अब हुआ नहीं लगे वो बात समझ में आ गई मुझे हुआ और हिया वर्जन में हम आउटसाइड डोर तलाश करते राइट फाइंड आउट करते जी जी हाँ तो फिर आउटसाइड तो यहाँ पे है आउटसाइड डोर हाँ है ना मुस्लिमून हाँ जी हाँ, हम इसको मफूल कंसीडर कर सकते हैं नो नो व्हाई नॉट दैट इज अबाउट डिटेल ना ये डिटेल है नहीं मफूल का मैं बोल रही नहीं दिस इज नॉट डिटेल ये दम्मा की शेप में है ना ये बताएं कि हम इसको मफूल क्यों नहीं कह सकते आपका कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रही हूँ इसलिए ये सारी आपके फायदे के लिए नहीं मुझे बंदे को जवाब देने दें सिस्टर क्या नाम है आपका राबिया राबिया सो राबिया मुझे ये बताएं कि हम ये जो मफूल का स्टेटस क्या होता है नसब होता है ना नसब होता है अब मुझे ये बताएं कि अल मुस्लिमून नसब है यहाँ पे नहीं रफा स्टेटस है रफा वो... इसका जी, जी. इसका नसब तो या आउटसाइड डूअर है सॉरी साला आई गॉट इट सी इसलिए ये सारी इंटरोगेशन मैं कर रही हूँ कि अब दोबारा ये मिस्टेक आपसे नहीं होगी नहीं नहीं होगी अगर 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 मैं इसको मफूल बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा इसको नसब स्टेटस में होना चाहिए तो जैसे कि नसब स्टेटस के नसब मुस्लिमीना सॉरी मुस्लिमीना yes. अगर मैं इसको कह दूं कताबल मुस्लिमीना फिर ये हो सकता है कि यस मुस्लिमीना यहाँ पे नसब है और ये मफूल है अब ओके राइट या तो ऑलवेज इन चीजों को आपने टेंशन पे करनी होती है तो कताबल मुस्लिमीना में आप कहेंगे काताबा फेल उन्मादीन फाइलुहु हुआ और अल मुस्लिमूना हुआ को भी आप जब आप देखेंगे आउटसाइड डूअर है तो फिर आप वो पार्ट उसका स्किप कर सकते हैं और आप कहेंगे कि अल मुस्लिमूना इज द आउटसाइड डूअर फाइल है काताबा का जज़ाकल्लाह खैर इसका मतलब क्या बना फिर काताबा काताबल मुस्लिमैनी का मतलब क्या बना फिर
he wrote ab wo koi sense nahi ban rahe just to make understand bata rahe uske sath hame koi wo preposition kuch lana padega aur hum kahenge ke usne musalmanon ke liye article likha ya is sense mein hum usko use kar sakte hain right theek hai jazakallah right yeah okay now next one v8 अब इसमें अकलना नो नो नहीं नो राइट और ये हो जाएगा अकलना ठीक है नेक्स्ट वन द नेशन रिटर्न्ड आउटसाइड डुअर है यस उस्ताद यस नेशन तो इसको कंस्ट्रक्ट करें रजा अल उम्मतुन अल उम्मतु अल उम्मतु यस राजा अल उम्मतु और राजा अल कौमु भी कह सकते हैं राजा अल कौम भी बोल सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं अल कौम राजा नहीं वो डिफरेंट हो जाएगा वो जुमला इसी यहां पर एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी टीचर इजंट इट राजा अल कौम राजा उ नहीं दिस इज फेल मादी फेल मादी को उ साउंड लेगा नो नो ओ द नेशन ओके राजा ऐसे होगा राजा राजा अल कौम ये इसको हमको रफाम वर्जन करना है क्योंकि ये आउटसाइड डूअर है तो राजा अल कौम ओके नाउ नेक्स्ट वन दे रेड इनसाइड डूअर और नो नो इनसाइड डूअर इसमें कोई आउटसाइड डूअर नहीं है राइट सो कारा आ हुआ देन कारा आ ये इसके साथ यहाँ पे लंबा वो बन जाएगा ये इसका हुमा वर्जन हो जाएगा एंड देन कारा उ ठीक है कारा उ वुड बी कारा उ हुम वर्जन कारा उ वर्जन हुम वर्जन इसको टीचर जरा लिख देंगे कि लिखने में कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे लिखना ये हो जाएगा कारा उ ऐसे जी या ओके नाउ अल्लामा द मैन टॉट यस द मैन टॉट हां जी इसमें है आउटसाइड डूअर है आउटसाइड डूअर है जी हुआ तो ओके तो अब इसको कंस्ट्रक्ट करें अल्लामा रिजाल रिजाल को वो ज्यादा मैन हो जाएंगे रजुल अल्लामा रजुल चिल्ड्रन स्टडीड दरसा इसमें भी आउटसाइड डूअर है दरअसल अतफाल दरअसल औलाद भी कह सकते हैं दरअसल इतफाल बोल सकते हैं यस ठीक है तो एनीथिंग लेकिन बस मेक श्योर कि वो रफा वर्जन में होना चाहिए बोथ ऑफ यू सेंट अरसल तुमा यू ऑल प्रोटेक्टेड ये भी होम वर्जन पे तुम हो जाएगा ना यू ऑल तुम हो जाएगा दैट्स इट हफिज तुम सिंपल एंड इजी हफिज ओके दिस मेरा रॉन्ग तुम नॉट हफिज तुम हा फी वा ओके यहाँ पे आप फा के नीचे के साथ अलीफ आएगा जी हा के साथ अलीफ आएगा क्या नहीं हा नो क्यों नहीं वो करेगा हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं व्हाई वी आर एडिंग अलीफ ये you always अंतिम वर्जन पे आया ये हाफिज यू ऑल है ना तुम उसके साथ आपने ऐड करना तो हाफिज तुम दैट्स इट सॉरी सदा आई हैव अ क्वेश्चन हियर व्हाई वी कांट से हाफिज ना आई मीन हुन्ना वर्जन Why we are adding कहाँ पे हुन्ना वर्जन कौन सा
this one, number 8-1. Yes, you all. How we can recognize? Okay, they will mention F and female for F in the bracket. If there is nothing F, so it means that is for the musakkar, not for the muannas. और ये यू आर ऑल है अंतुम है ठीक है सो वी हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द एफ इन द ब्रैकेट फॉर द फीमेल आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ मुज़क्कर और द मुअन्नस हां नहीं वो उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया होता है तो अगर नहीं मेंशन किया तो टेक इट एज ए मुज़क्कर मुज़क्कर ओके जी तक लग है ओके नेक्स्ट वन द टू मुस्लिम्स अब देख रहे हैं यहां पे टू मुस्लिम्स फीमेल टॉट अलम यस यस आई कैन मुस्लिमात मुस्लिमात सबसे पहले ये देख लिया करें कि ये कौन सा वो है इसमें प्रोनाउन कौन सा है मुझे ये बताएं क्या प्रोनाउन है इसमें द टू मुस्लिम्स तो ये हुमा वर्जन है और ये वो फीमेल है राइट जी हुमा वर्जन है और फीमेल वाला है राइट तो फिर इस पे क्या इसमें तालिया एक और अलिफ ऐड करना अल्लम अल्लम प्लीज सिस्टर जो भी बोल रहा है प्लीज एक दफा बोलें बाकी सब सिस्टर कंफ्यूज हो जाती हैं मैं बार बार म्यूट करती हूँ आप लोग बार बार जो है ना वो करते हैं जो बोल पड़ा है वो प्लीज अब अपना म्यूट जब एक को आप देख लें कि वो बात कर रहा है तो दूसरा खामोश डिस्टर्ब हो जाती है और उस्तादा जी जब आप बात बता रही हैं सबको तो बीच में जो एक सिस्टर है वो बार बार आपको इंटरप्ट करती हैं और फिर वो अपना बोलती हैं वो प्लीज मैं उनको म्यूट करती हूँ और मैं उनका नाम ले सकती हूँ लेकिन अब मैं नहीं लेना चाहती प्लीज उनको मैं मैसेज भी कर रही हूँ वो सुन नहीं रही जब टीचर बात करना शुरू करे तो आप फौरन क्वाइट हो जाएं दैट इज द रिस्पेक्ट राइट और उसके अलावा ये है आपको पता है कि कितने लोग जो हैं ये इस पे रिलाई कर रहे होते हैं रिकॉर्डिंग पे राइट so it's not fair कि हम जो है ना वो उसको fish market बना देते हैं यहाँ पे so बाद में उन लोगों को problem होते हैं sorry और सादा जी दो तीन sisters बार बार वो देनी ठीक है उनको आ रहा है लेकिन बाकी sisters को भी please उनको देना चाहिए time क्योंकि फिर हम सब confused हो जाते हैं आप ना खुद सिस्टर के नाम कॉल आउट करें ताकि सबका पता चले कि किसको कितना आता है सबको चांस मिले ना इट्स टेक वेरी लॉन्ग राइट और मुझे नहीं पता कि हु इज रेडी हु इज नॉट रेडी और मैं अपने आईपैड पे इवन आई कैन नॉट सी जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ सिस्टर उस्तादा जी जब रेज हैंड का ऑप्शन है तो हम रेज हैंड करके अपना इंतजार करें ये भी हमारा एक वो तरबियत है कि हम सब्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जी जज़ाकअल्लाह खैर हाँ जी द टू मुस्लिम्स अभी ये टू मुस्लिम्स और ये मुस्लिमाज है राइट तो लेडीज यहाँ पे जाहिर ऑब्वियसली ये है और जो है ना ये टू हैं तो जाहिर ये हुमा बन रहा किया हुमा हुन्ना वाला यानी मोनस वाला तो उसके साथ जब हम अल्लाह मत पे आएंगे राइट दैट वुड बी द हिया वर्जन और उसके बाद अल्लाह मता बन जाएगा टू मुस्लिम्स लेडीज के लिए और टॉट हो गया राइट सो दिस इज हाउ इट गोना वर्क नेक्स्ट वन नंबर 10 बोथ ऑफ देम फीमेल अगेन टॉट सॉरी मैं जरा पिछले को जरा देख लूं ये अल्लामाता मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन आएगा या नहीं आएगा साथ द टू मुस्लिमास टॉट बिकॉज़ मुस्लिमास इज आउटसाइड प्रोनाउन या एक्चुअली यू आर राइट सो ये अल्लामता जो है ना ये हम नंबर 10 के लिए
that would be allamatta, hum usko iske sath wo kar sakte hain, that make more sense here. और उसके लिए द टू मुस्लिम्स वो इतने बीच में वो हुई है इंटरप्शन तो आई टोटली लॉस्ट. तो ये टू मुस्लिमा ऑब्वियसली तो ये हो जाएगा यहाँ पे आप हिया वर्जन उसका लेकर आएंगे राइट. अल्लामता मुस्लिमातुन अल अल अल्लामत उस्ताजा मैं बताऊं अल्लामत और फिर अल्लामत मुस्लिमा नहीं यहाँ पे वो अदरवाइज ये यहाँ पे ऐसे होता बोथ ऑफ देम राइट. या वो मैं भी उससे कंफ्यूज हो रही थी सो बट दैट मेक मोर सेंस. हाँ जी यहाँ पे ये टू मुस्लिम आउटसाइड डूअर है ठीक. टीचर इसके साथ फिर आल भी लगेगा बिकॉज इसके साथ दा लगा हुआ है. हाँ जी आल लगा सकते हैं यू आर राइट. अल्लामतिल मुस्लिमातानी हो जाएगा क्योंकि अल्लाह मत नहीं होगा वो तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि दिस इज द वर्जन लेकिन जब हम इसको इकट्ठा कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा अल्लामतिल मुस्लिमातानी. टीचर दिस इज कंफ्यूजिंग. अल्लामती तो फिर अंती होता है ना. नहीं मेरी नो माय डियर ये जब भी आप ये देखेंगे कि दिस इज हाउ वो जब मिलता है ना क्योंकि ये आपको मुस्लिमातानी बता रहा है कि ये लेडीज है राइट जी. और जो है ना ये दिस इज बेसिकली द तजवीद रूल इसको कह लें या जस्ट फ्लुएंसी के लिए कह लें कि दिस इज हाउ वर्क कि जब वो उसके साथ ज्वाइन होता है ना तो फिर उसको ऐसे कसरा दे दिया जाता है बट वी नो दैट दिस इज नॉट अंती. ओके दिस इज हां जी यानी अल्लामती मुस्लिमातान अल्लामतिल मुस्लिमातानी. ओके ठीक है जज़ाकल्लाह खैर. ओके नेक्स्ट वन वी नीड टू गो लिटिल फास्ट क्योंकि अभी हमारा बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं सो वी नीड टू बी क्विक और प्लीज थोड़ा सा ऑर्डरली वे में हम चले तो ज्यादा अच्छा होगा राइट. सो नंबर वन को देख लेते हैं वदाखला माहू असिजना फतयानी राइट. सो दाखला का मतलब होता है ही एंटर्ड माहू विद हिम असिजना सिजन कहते हैं प्रिजन को और फतयान दो यंग जो है ना यूथ कह लें यंग बॉय कह लें राइट. तो दाखला इसको हम कैसे देखेंगे हुआ वर्जन और माहू क्या है यहाँ पे एम बी एफ ये स्पेशल मुद्दा. हाँ जी ये एम बी एफ हो गया और असिजना क्या है मफूल भी ही वेरी गुड क्योंकि इसके ऊपर ये फतह हमें बता रहा है राइट. So this is maful bihi ho gaya. Aur fatayan kya hai? Outside door. Very good. Theek hai? Because ye rafa version mein hai, right? Musli mani. So that is the outside door for dakhala. So iski translation kaise hogi? Ab pehle aap usko door ko pehle lekar aayenge. Main karu madam? Ji, go ahead. And two young men entered the prison with him. Very good. So the two young men entered with him in the prison. Very good. Number two. Wadakhala jannatahu. Ataf. Milun madi failu huwa. Acha, ab jo kya naam hai aapka sister? मुझे कुछ बात
मुझे पूरी टर्म तरीके से चाहिए. मादिन फाइलुहु हुआ. फेल मादिन फाइलुहु हुआ. फाइलुहु कैसे लिखा जाएगा ये? फाइलुहु 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 उसका फाइल क्या मतलब है इसका? ये मुदाफ मुदाफ इलैही कंस्ट्रक्शन है, राइट? जी. सो उसका फाइल जो है वो क्या है? हुआ है. से वन मोर टाइम. फेलुन मादिन फेलुन मादिन फाइलुहु हुआ. फेलु ये अब इसकी भी जरा कंस्ट्रक्शन देखने, क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं. सो बेसिकली इट इज फेलु मादिन, फेल ऑफ मादी. फेल ऑफ मादी, यस. ठीक है, ये भी मुदाफ मुदाफ इलैही के कंस्ट्रक्शन बन रही है. फेलु मादिन फाइलुहु उसका फाइल हुआ. ओके, सो ये टर्म्स जो हैं वो याद होनी चाहिए आपको और हमने प्रॉपर तरीके से उनको बोलना है. फेलु मादिन फाइलुहु हुआ. ओके, नेक्स्ट वन जन्नतहु. जन्नतहु दिस इज मफूद बिही. ओके, इदाफा फ्रेगमेंट, वेरी गुड. और ट्रांसलेशन? वो और वो दाखिल हुआ उसकी जन्नत में. हाँ, अपने गार्डन में या उसकी जन्नत. गार्डन को बेसिकली बोलते हैं, राइट? जी. तो वो अपने बाग में दाखिल हुआ. ओके, नंबर थ्री. खलकल्लाहु समावाति वल अर्द. टीचर ये मैं करूँ? बुशरा बोल रही हूँ. ओके, गो अहेड बुशरा. जी, तो ये है खालक होएगा फेलो मादिन फाइलो हुआ. लेकिन इसमें अल्लाहु ये वो है, मैं जब देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ इसमें ना एक वो क्या कहते हैं उसको ना, रफा में. तो मैं इसमें देखूंगी कि इसमें आउटसाइड डोर है, तो अल्लाहु आउटसाइड डोर. वो अब अगला है असमावाति वल अर्द. ये होगा पूरा बनेगा क्योंकि ये वो है मफूल. लेकिन और इसके अलावा ये बन जाएगा मेरे ख्याल में, इदाफा फ्रेगमेंट भी बनेगा समावाति वल अर्द. लेकिन ये पूरा एक मफूल होगा. तो फ्रेगमेंट कैसे बन रहा है? मैं ये देख रही थी कि ये ना चूंकि ये लाइट है समावाद. नहीं, नहीं, ये लाइट कैसे है? यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है? ये क्या है? ये तो ओ अच्छा 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 ठीक है, ये तो वो है प्रॉपर है, तो ये नहीं हो सकता. और वैसे भी बीच में वाओ है, राइट? सही है, सही है, ये नहीं हो सकता. ठीक है, बीच में वाओ तो आ ही नहीं सकता. तो असमावाद और समावाति का स्टेटस क्या है? स्टेटस इसका होगा ये है इसका जर. ये जर है. जर मुस्लिमातुन बोलें जरा. मुस्लिमातुन जी जी मुस्लिम. ओह अच्छा, ये वो है क्या कहते हैं फेमिनिन चार्ट वाला है. हाँ जी. सो मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, राइट? तो उसका नसब वर्जन भी कसरा के साथ ही होता है. ठीक है, तो अच्छा ये फिर नसब में हो गया. तो ये नसब है, राइट? और जब हम जुमला फेलिया देख रहे हैं तो उसमें जो नसब होता है वो क्या होता है? वो मफूल होता है. मफूल होता है, राइट? जी जी. अब ये अब सवाल आप पूछें कि अल्लाह ताला ने क्रिएट किया, अल्लाह ताला ने क्या क्रिएट किया, सो क्या का आंसर आपको मिल रहा है? तो ये मफूलुन बिही है. जी जी. क्या या हु, किसने बनाया और क्या बनाया, राइट? तो ये मफूल बिही का आंसर मिलता है. अच्छा, अब अगर आप समटाइम्स कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका स्टेटस क्या है, तो आप अगले वर्ड को अगर उसके उनके दरमियान में वाओ हो तो वो आपको हेल्प कर सकता है. अब ये देखें, वाओ की वजह से ये अल अर्दा भी वही स्टेटस ले रहा है जो के असमावाती का था. जी सही है.
ठीक है, तो ये वल अर्दा आपको बता रहा है कि यस दिस इज नसब इन स्टेटस, ठीक है समझ ठीक है। तो ये पूरा पूरी थिंग अब ये वन बकेट हो गई, यस समावाती वल अर्दा दिस इज वन बकेट और ये मफूलुन बिही की बकेट हो गई है। ठीक है थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो और इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने क्रिएट किया हेवंस एंड अर्थ को। अच्छा इसकी और एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और लिखी थी कि समटाइम जब आपको ना समझ में आ रहा हो, अब ये देखें दाराबा, दाराबा का मतलब है ही हिट राइट, दाराबा मूसा व ज़ैदन। अब इसमें हमें मूसा तो नहीं हमें बताएगा कि इसका क्या स्टेटस है राइट, तो अगर वाओ बीच में आ जाए तो हम नेक्स्ट उससे उसका अंदाजा लगा सकते हैं नेक्स्ट हिस्म से। तो ये ज़ैदन हमें बता रहा है कि ये मूसा भी नसब में है, इसका मतलब है कि मूसा और ज़ैद दोनों की पिटाई हुई है राइट। लेकिन अगर मैं इसको ज़ैदुन कर दूं, दाराबा मूसा व ज़ैदुन, अब क्या हो जाएगी ट्रांसलेशन? दोनों ये आउटसाइड डूअर बन गए हैं राइट, अब ये फाइल बन गए हैं। तो अब इसका मतलब है कि ज़ैद और मूसा इन दोनों ने जो है ना वो मारा किसी को राइट, दे आर द डूअर्स नाउ। मुझे नजर नहीं आ रहा कौन सी वही कौन सी स्लाइड पे, वो नहीं समझ आ रहा। ये आप लोगों ये लिखा हुआ नहीं है? नहीं ब्यूटीफुल लेडीज ठीक है। तो ये स्क्रीन पे देख लिया करें उस वक्त जरूरत के वक्त जहाँ पे हो, बाकी अपने ये लेके 100% अपने नोट्स पे फोकस है और स्क्रीन पे क्या हो रहा है यू गाइस डोंट नो। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ज़ैदुन कर दूंगी तो क्या हो जाएगा कि ज़ैद और मूसा दोनों ने जो है ना वो मारा दोनों डूअर बन गए। तो सी द डिफरेंस? यस। तो इसलिए इन हरका को इम्पोर्टेंस इनको देखना होता है गौर से वेरी केयरफुली बिकॉज दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अच्छा फिर नंबर फोर को देखें, बदलना। सो क्या है बदलना? फेलुन मादिन आइलू नहनु। ओके फिर मकान सैयाती बैड पोजीशन। सो अल्लाह सुभान व तआला नो सॉरी we change basically pol to allah subhanahu wa taala hi rahe hain, we exchange or change the sayya ka matlab hota hai bad place bad position to good position or good place right। so yahan pe ye message diya ja raha hai ki we can replace bad thing bad place bad position to a good one। तो अब यहाँ पे बदलना क्योंकि नहनु है तो हमें आउटसाइड डोर तो देखने की जरूरत नहीं है राइट। सो फेलुन मादिन फाइलुहु नहनु एंड मकाना ये मुदाफ मुदाफ ले ही बन रहा है असे ये आती राइट। और हमेशा मुदाफ हमें बताता है कि स्टेटस क्या है क्योंकि मुदाफ ले ही तो हमेशा जर होगा। तो हमने अगर देखना हो कि इदाफा का स्टेटस क्या है तो हमेशा हमने सिर्फ मुदाफ को देखना होता है। अब यहाँ पे जुमला फेलिया के अंदर जब हमें एक मफूल सॉरी नसब मिल रहा है तो बेसिकली वो हमारा मफूल है। सो हम चेंज कर देंगे एक्सचेंज करेंगे, क्या एक्सचेंज करेंगे? तो वो फिर अगेन हमें ये मफूलुन बिही का आंसर मिल रहा है यहाँ पे और अल हसन नता। ये सारा ही टीचर मकाना सही अतिल हसना ये सारा मफूल भी होगा। हाँ जी ये लेकिन ये एक नहीं होना चाहिए दो क्योंकि हमने हम चेंज कर देंगे बैड प्लेस को गुड प्लेस राइट जी हाँ। तो ये दो मफूल हम इसको कह सकते हैं किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है। हाँ ये दो मफूल हो जाएंगे, वो मफूल भी नंबर वन और ये नंबर टू हो जाएगा।
नंबर टू टीचर एक क्वेश्चन है कि ये अगर असयाती अलहसन आता ओ ये नहीं जैसा हो सकता सॉरी वजीर जबर को नहीं देखा था सॉरी okay. हाँ जी नेक्स्ट वन नंबर फाइव पाला मूसा लिकाउमी ही टीचर मैं ट्राई करूं जी बोले पाला मूसा लिकाउमी ही पाला फेलो मादिन होवा मूसा जो है वो आउटसाइड डोर है काला का कैसे मूसा जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल है और इसमें तमाम टर्म्स आती हैं रफा भी होता है तीनों चीजें होती हैं इसके अच्छा अली हर्फ जर कौमी इसमें मजरूर एम बी एफ हो गया मुतालिक बिलफेल और फिर जो है फिर कौमी जो है मुदाफ होता है फिर ही जो है मुदाफल है मरकब इजाफी होता है तो पूरा यह है कौम में ही जो है मुतालिक बिलखबर हो जाएगा तो काला मूसा जो है वो क्या कहते हैं फेलो मादिन हुआ और मूसा जो है इज आउटसाइड डूअर और कौम में ही मुतालिक बिलफेल ठीक है मूसा ने इस मूसा ने इसकी कौम से कहा मूसा सेड द हिज नेशन To his nation, very good. अगर sometimes आप confused हों और आप कहेंगे ये मूसा जो है maybe ये नसब हो, right? तो लेकिन जब आप translation उसकी as a मफूल करना चाहेंगे तो it will not make sense. जी. Right? उसने कहा मूसा his people तो what doesn't make sense, right? और ये भी देख लें कि काला के साथ जो है ना जब हम कह रहे हैं ना कि किसी ने किसी को कुछ कहा तो उसके साथ ली जो है वो हर्फ जर आता है जी ठीक है तो इसका मतलब है कि मूसा ने किसी से कहा है और वो कौन है उसकी कौम है बनी इसराइल राइट सो ये इस तरह से दैट मेक सेंस शुक्रिया टीचर वही है कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कहना चाहें कि उसने जैद से कहा राइट तो हम क्या कहेंगे काला ली ज़ैदिन ठीक है अब ये जो ली आ गया ना उससे पता चल रहा है कि बात किससे की गई है ज़ैद से की गई है तो काला ली ज़ैदिन उसने ज़ैद से कहा ली मीनिंग फॉर के कैसे लेकिन यहाँ पे ये आपको शायद पहले भी मैंने बताया हो कि कुछ जो हैं वो हर्फ जर जो होते हैं ना दे आर मैरिड विद सम फेल यस ठीक है तो ये काला जो है जब भी हम इस सेंस में यूज कर रहे हो कि किसी को कुछ कहा जा रहा है तो वो उसके साथ ली आता है थैंक यू शुक्रिया वही ओके नंबर सिक्स व अंजल अल्लाह हाँ जी बोले व अंजल मैं कर गो अहेड वा हर्फ अतफ अंजला फेलु मादिन फाइलुहु हुवा अल्लाहु लफ्ज़ जलाला आउटसाइड डोर अलैका एमबीएफ अला एंड का अलैका एमबीएफ अल किताबा मफूल बिही वन वल हिकमता मफूल बिही टू या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मौतूफ़ुन इला ये जो है ना वाओ के बाद जो भी संबंध है दैट इज मौतूफ़ुन इला टू दिस वन अच्छा क्योंकि वाओ के साथ जो है ना वो बेसिकली वो एक कंस्ट्रक्शन बन जाती है वो एक बकेट बन जाता है राइट तो फिर हम जब वो एक बकेट बन गया तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये मफूलुन बिही वन है और ये मफूलुन बिही टू है अच्छा वाओ के साथ ये होता है वाओ के साथ भी वो बेसिकली वो एक आप कह लेंगे एक फ्रेगमेंट या एक वो कंस्ट्रक्शन उनकी वो चेन टुगेदर हो जाते हैं अच्छा मैं इसको अलग अलग कर रही थी ओके नॉट विद वाओ ठीक है जब वाओ होता है तो वाओ उसको कनेक्ट कर देता है तो इसलिए जस्ट इसको टुगेदर आप मफूल भी कहेंगे और ज्यादा डिटेल में जाना होगा तो हम कहेंगे कि अल हिकमतु इज मौतूफुन अला टू अल किताबा और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी और अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत भेजी सेंट डाउन अपॉन यू हिज बुक एंड विज़डम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह ओके इसको भी देख लेते हैं क्विकली वी रेड दैट
ओल्ड बुक. अब ट्रांसलेशन इसमें करनी है. इसमें आउटसाइड डूअर है. नहीं है राइट, क्योंकि वी रेड है तो आउटसाइड डूअर इसमें नहीं है. अच्छा अब दैट ओल्ड बुक, वी रेड का तो हम कर लेंगे कराना राइट. दैट ओल्ड बुक किस किस्म की कंस्ट्रक्शन आपको लग रहा है? ये है दैट के लिए आप सारी का वर्ड तिलकल किताबल इसमें इशारा. तिल का बुक जो है वो किताब जो है जब सिंगुलर होती है तो वो मैस्कुलन है, वो फेमिनन नहीं है राइट. तो हमें तिल का यूज करने की जरूरत नहीं है, हम जाली का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जाली का. अब जाली का और फिर ओल्ड बुक किस किस्म की कंस्ट्रक्शन है? ओल्ड बुक किताब मौसूफ सिफा है राइट. और जालिका के बाद हमें अल चाहिए क्योंकि हम कह रहे हैं दैट ओल्ड बुक, हम वो क्या कहते हैं फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं राइट. सो जालिकल राइट. अब इसको क्या स्टेटस देना है हमने किताब को? डिटेल है तो नस्ब होगा ना उस तरह. एग्जैक्टली या सो अल किताबा एंड अल कदीमा किताब. सो कराना आप यहाँ पे उसका फेल हमेशा पहले ले आएंगे. कराना वी रेड ज़ालिकल किताबल कदीमा. मेक सेंस जी. नेक्स्ट वन दोस मेन लेफ्ट देयर टाउन. सो लेफ्ट देयर टाउन को हम पहले करेंगे राइट क्योंकि ये एक्शन है तो उसको आप पहले लेकर आएंगे खारजा. और दोज मैन डूअर है राइट. डूअर भी पहले आएगा सॉरी इसमें, बल्कि जो दोज मैन है वो पहले आ जाएगा. नहीं मेरे ख्याल में शायद तो खराजा ही पहले हमें लेना चाहिए. एक्शन को ही हम पहले लेंगे और ये दोस मैन को हम वो क्या कहते हैं आउटसाइड डूअर उसका हो सकते हैं राइट. या सो खराजा रिजालू उलाइकर रिजालू. और फिर देयर टाउन के लिए क्या हो जाएगा? देयर टाउन. टाउन हाँ बलद बलद भी यूज हो सकता है, करिया भी यूज हो सकता है राइट. लेकिन हमें खराजा के साथ जो है वो हमें मिन भी लगाना पड़ेगा. ठीक है मिन भी उसके साथ लगाना पड़ेगा. इवन तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन जो है ना कुछ वर्ड्स फेल के साथ जो है ना वो प्रेपोजिशन आना ही होती है. और तो फिर वो ट्रांसलेशन में अगर आपको नजर नहीं भी आ रही अरेबिक में तो आपको वो लानी पड़ेगी. और समटाइम्स ये होता है कि अरेबिक में जस्ट टू मेक द सेंस ऑफ द ट्रांसलेशन हमें अरेबिक में वो नहीं होता प्रेपोजिशन, लेकिन इंग्लिश में जब हम उसकी ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हमें वो लाना पड़ता है राइट. तो ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन. लेकिन यहाँ पे खराजा के साथ मीन भी आएगा क्योंकि कहीं से किसी जगह को छोड़ना उसके साथ फिर मिन आता है. तो फिर मिन बलदती हिम. मिन बलदती हिम बलदी आप का बिलाद. बिलाद एक सिटी को होता है बलदुन. नो बिलाद मेरा ख्याल है प्लूरल हो जाता है उसका. सो बलदी हिम हो जाएगा. मिन बिलादी हिम. मिन बिलादी हिम. मिन बलदी हिम या मिन करियाती हिम. बला दाती हिम होगा या बला दा बला दी हिम. ते नहीं आता. ओके बला दा ऐसे होता है. बला दा मेरा ख्याल है बला दा इज सिंगुलर और बिलाद जो है ना वो उसका प्लूरल है. बिलाद जो है ना वो उसका प्लूरल हो जाता है और ता की जरूरत नहीं है. ठीक है आई डोंट थिंक सो वी नीड अ ता ओवर देयर. मिन बिलादी मिन बलादी मिन बलदी
من بلدہم ٹھیک ہے یا پھر کریا یوز ہوتا ہے ورڈ اس میں پھر آئے گا کریاتیہم کریاتیہم ہو جائے گا اس کا یہ یہاں پہ اس کی یہ کی ہے آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں تو اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کرانا ذالک الکتاب القدیمہ دیٹ واز دا پریویس ون پھر خارجا اولائک الرجال من کریاتہم ٹھیک ہے سو یہ اولائک الرجال یہ بیسیکلی کیا بن رہا ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پوائنٹر فریگمنٹ بن رہی ہے رائٹ اور یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہو گیا کس کا خارجا کا اور یہ من کریاتہم جار مجرور اور اضافہ فریگمنٹ ہو گیا اور یہ ہمارا ایم بی ایف ہو گیا اچھا ناؤ دس ون از ویری انٹرسٹنگ آئی ٹاٹ مائی لٹل سسٹر تو اب دیکھیں لٹل سسٹر یہاں پہ موصوف صفہ بن رہا ہے رائٹ لیکن اس موصوف صفہ کے ساتھ ہم نے یہ اضافہ فریگمنٹ بھی بن رہا ہے تو اضافہ پلس موصوف صفہ ہم نے کریٹ کرنا ہے اور ٹاٹ کے لیے ظاہر ہے ہم پہلے فیل پہلے لے آئیں گے سو علم تو ٹھیک ہے پھر آپ اختی یا آپ نے اضافہ فریگمنٹ بنا لیا اور اب اس کی جو صفہ ہے نا اب وہ بعد میں آئے گی اختی صغیرتا اب کچھ نہیں ہمیں بتا رہا کہ یہ اس کا کیا سٹیٹس ہے اس فریگمنٹ کا لیکن یہ صغیرتا ہمیں بتا رہا ہے رائٹ کہ یہ مفعول ہے سو آئی ٹاچ میں نے کس کو سکھایا اپنی چھوٹی بہن کو تو جب بھی موصوف صفہ کے درمیان میں جب ہمیں کوئی اضافہ فریگمنٹ کریٹ کرنا ہو تو دس از ہاؤ اٹ ورک سو بیسیکلی یہ صغیرہ تو جو ہے وہ صفہ ہے کس کی اختن کی رائٹ یہ اختن ہونا چاہیے تھا اور لیکن وہ یا اس کے ساتھ لگا تو پھر وہ کینٹ ٹیک نصب ورژن تو وہ اختی بن جائے گا ٹھیک ہے میک سینس اچھا نیکسٹ ون ہر کمپینین آسکڈ دیم سآلہ کا مطلب ہوتا ہے آسک کرنا رائٹ اور آسک دیم ہے سو یہ دیم کیا ہے مفعول ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائے گا مفعول ان بھی سآلہ ہوں اور کس نے کہا کس سے پوچھا گیا صاحبہا سو بیسیکلی یہ آؤٹ سائڈ ڈور صاحبہا یہی بو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے رائٹ ہر کمپینین آس دیم سو سوال کرنے والے کون ہیں کمپینین ہے تو صاحبہا آؤٹ سائڈ ڈور ہو گیا سآلہ کا Okay, he knew their secrets. Is someone wanna try that? He knew their secrets. Secrets ke liye hota hai israr. Aur knew ke liye jo hai na wo alima ho jayega. So alima. Alima israrahum. اسرار ہوں یہ یہاں پہ میرا حال اس نہیں آنا چاہیے اسرار ہونا چاہیے اسرار ہوتا ہے سیکرٹس نوٹ اسرار ہوں اسرار ہوں ٹھیک ہے یہ اسرار یہ مضاف ہمیں بتا رہا ہے اس کا سٹیٹس رائٹ کہ یہ نصب ہے اور مفعول ہے سو دس از مفعول بہ ناؤ آور فیملی وینٹ ٹو ڈیلس تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے فیل کو سو ذہبا اور پھر اس کے بعد کون گیا ہے آور فیملی یا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے اس کا سو اٹ شوڈ بی اہلو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یا کی وجہ سے اہلو نہ نہیں ہونا چاہیے ہماری فیملی ہاں ہمارا یہاں پہ ان کی ہاں جی تو یہ اہلو نہ آپ اس کے ساتھ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یس
ठीक है. सो ज़हबा अहलुना इला दालस. तो ये इला जो है वो यहाँ पे टू के मीनिंग में आएगा. हाँ जी, आप लोगों ने ये ट्राई किया था? ये अगेन अटैच प्रोनाउन है तो ये एमबीके बन गया, एमबीएफ हो गया. यस. फिर अगेन फकालू, तो यहाँ पे फकालू आ रहा है तो अगेन ये होम वर्जन पे है. इनकुम इज इसको इन अटैच प्रोनाउन. इसका ये तो हो गया इसमें इन्ना, ठीक है, नून फॉलोड बाय नून. देन इन्नकुम अब देखें, ये बात शायद पता नहीं मैंने पहले मेंशन किया या नहीं, काला या इसका कोई भी वर्जन हो, राइट, 14 सेगास है ना, काला या इसका कोई भी वर्जन हो, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी स्टेटमेंट बोली जा रही है ना, वो उसको कहते हैं मकूलुल कौल. मकूलुल कौल मकूलुल कौल क्योंकि ये किसी के वर्ड है, राइट. अब दे सेड व्हाट, किसका आंसर मिल रहा हमें? जवाब नहीं, मेरा मैं पूछ रही हूँ. दे सेड फकालू का मतलब है दे सेड, राइट. मेरी बात को सुनने की कोशिश करें, मैं क्या पूछ रही हूँ. फकालू दे सेड, राइट. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दे सेड व्हाट, तो अब ये व्हाट हमें किस चीज का आंसर दे रहा है? मफूलुन भी है ना, मफूलुन भी हमें व्हाट का आंसर देता है ना. जी जी, व्हाट, या व्हाट इज राइट. तो ये द होल थिंग, काला या उसका कोई भी वर्जन हो, उसके बाद जो सेंटेंस होगा या जो स्टेटमेंट होती है उसको मफूलुल कौल कहते हैं, और वो बेसिकली मफूलुन भी होता है, और वो फी महली नसब उसको बोलते हैं, यानी उसका वो स्टेटस हमें दिखा नहीं रहा, लेकिन हमें पता है कि ये एक सेड स्टेटमेंट है, सो ये फी महली नसब हो गई. ठीक है, ये हाँ, ये जस्ट आई एम थ्रोइंग ऑन यू गाइस ताकि आप लोगों को पता, इंशाल्लाह ये आगे भी ये चीज रिपीट होती रहेगी. तो बेसिकली यहाँ पे हम जब कह रहे हैं ना कालू सो फेलुन मादिल फाइलुहु हुम, फिर ये इन्नाकुम अंतुम अंतुमुज़्ज़ालिमून, ये पूरा सेंटेंस किस किस्म का सेंटेंस है? ये जुमला इस्मिया. तो ये जुमला इस्मिया कमिंग एज ए मफूल कौल, मफूल बी और मकूलुल कौल फी महली नसब. ओके, फिर आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, आप कहेंगे इन्ना कुम मुब्तदा हो गया, अंतुम अनदर मुब्तदा हो गया, राइट,
एम्फेसिस के लिए, क्योंकि वो कुम के अंदर भी अंतुम था, फिर दोबारा अल्लाह ताला ने मजीद उसको एम्फेसिस के लिए अंतुम दोबारा आ गया, और अज़ालिमोना इज द खबर, तो खबर तो उसमें नहीं आती ना, नकेल को प्रॉपर में नहीं आती, ये तो प्रॉपर लेकिन होती है, we will find in Quran Pak a lot, होना नहीं चाहिए लेकिन this is abnormal. ठीक है, उसको एक अपनी उसकी default state जो है वो common है, लेकिन we can find it in a proper as well. For emphasis, teacher? For emphasis? यहाँ इस sentence पे वैसे आपको emphasis बहुत नजर आ रहा है. लेकिन एक खबर के प्रॉपर होने की ये रीजन नहीं है कि वो एम्फेसिस हो, इट कुड बी एनी अदर रीजन, लेकिन दैट हैपेंस. प्रोनाउन प्रॉपर होता है तो इस वजह से नहीं, हम अज़ालिमून की बात कर रहे हैं तो वो उसका जालिमून से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, प्रोनाउन प्रॉपर है तो वो तो अपने लिए. मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप मैं ट्रांसलेशन बता रही थी पीछे, तो आपने कहा था कि वर्ब पहले लेके आएंगे, तो इस जुमले में दो वर्ब्स हैं, कौन से वाले पार्ट? सेकंड पार्ट में फकालू. हाँ फकालू, इसको भी वर्ब, इसको भी इसम, इसको भी फेल ही कहेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन हो रही है कि so they said, उन्होंने क्या कहा, they said indeed you all are the wrongdoers, right? तो वो उनके सेट स्टेटमेंट उसके बाद ट्रांसलेट कर रहे हैं. अच्छा, इसको हम फेल नहीं कहेंगे क्योंकि शुरू में फराजा उ है ना, ये फेल है. तो मैं सोच रही थी कि फकालू जो है ये भी फेल ही की तरह है, तो इसमें दो फेल भी है ना, ये फेल है, फकालू फेल की तरह नहीं है, ये फेल ही है, फेल है ना. तो इसमें एक जुमले में कई कई फेल आ सकते हैं एक सेंटेंस. जी जी, आप देख रहे हैं कि ये फेल है, फेल उन मादिन फाइलहु हुम, और ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, क्योंकि जुमला फेलिया के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, जस्ट फेल प्लस फाइल एंड दैट्स इट, हमें मफूल भी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? फेल और फाइल हो तो दैट इज गुड एनफ, लेकिन इसमें मफूल है और वो मफूल जो है वो जुमला इस्मिया है. अच्छा ठीक है, वो मफूल उन बिही जो है वो कंप्लीट जुमला इस्मिया इज कमिंग एज ए मफूल. थोड़ा सा एडवांस है लेकिन मैं जस्ट आपको यानी बता रही हूँ, अगर समझ में आ जाता है तो गुड एनफ, वरना ये चीजें सारी रिपीट होंगी इंशाल्लाह. ओके, टाइम तो हमारा ओवर हो गया, लेकिन आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू ऑन दी स्लाइड्स क्योंकि हमें मूव ऑन होना है. तो आप लोगों ने ये ट्राई किया हुआ है, ये स्लाइड्स ट्राई की हुई है, आगे जितनी भी होमवर्क और ये सब कुछ था, पेज पेजेस बाकी हमारे उस्ताद अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो इस वीक में आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है. कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये आप लोग जो है ना ऑन योर ओन करेंगे, ठीक है? और ऐसे मैं करती हूँ कि इनकी कीज जो है मैं इसको अनस्किप कर देती हूँ, आप लोग इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट करने हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से हम वी गोना मूव ऑन. ये हम उसके साथ भी कर सकते हैं ना, टीचर प्रैक्टिस सेशन होता है उनके साथ भी यही चीज कर. हाँ, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करें खुद की, और फिर उसके बाद जो है ना वो उन सेशन में आप वो कर सकते हैं. अच्छा, ये यहाँ से ले, यहाँ से. अच्छा, एक मिनट. हाँ जी, सो पहले ये इसको ले लें स्क्रीनशॉट, कोई एक ले ले तो दैट इज गुड एनफ, आप लोग फिर शेयर कर लें ग्रुप में. ठीक है, ठीक है, डन. यस, ओके. नेक्स्ट वन ये वाली ले लें. अच्छा, ये वाली ले लें.
ओके देन जी ये लेना थैंक यू और ये भी लेना ठीक है ठीक है ये तो हम कर चुके हैं ना अच्छा ये हो गई है ये ठीक. हो गया ठीक है और मेरा ख्याल ये भी हो गया ले रहे इसकी भी ले रहे अगर ये नहीं हुआ तो ठीक है और इसको अच्छा सा प्रैक्टिस करें ताकि आगे जो हमें पढ़ना है फिर यू गाइस बी स्ट्रांग ऑन दैट इंशाल्लाह 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 इसके साथ ही हम अपना एंड कर लेते हैं सेशन बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम वनफान वयाकुम बि आयति व ज़िक्रिल हकीम अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين